मौसम इतना अच्छा है तो फिर ये पानी क्यों? चित्रा, तुम्हारे मिलने के बाद पुराने विक्रम को दिखा है, पर तुम्हारे अंदर नई चित्रा को देख रहा हूँ मैं। इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो बच रहा था, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताए बिना ही मुझसे दूर हो गया। उसके हालात ही ऐसे थे चित्रा, उसने मुझसे भी 2 साल तक बिल्कुल बात नहीं की। वो बहुत सी लड़कियों के साथ घूमा, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही लड़की है और वो है चित्रा। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे डांटता और उससे सॉरी बुलवाता। सॉरी क्या? मिलाओ हाथ, अब आएगा मजा। चीयर्स। हैंडशॉट बड़ा कमाल का आया सर, एकदम फिल्मों की तरह। ये बात तुझको नहीं मैडम को बोलनी चाहिए। हाय। हे चित्रा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। मेरे पास एक गुड न्यूज है। हे, मतलब तुम्हारी मैरिज फिक्स हो गई क्या? तेनाली, पहले बात को सुनने का, उसके बाद बोलने का। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शट अप यू ऑफिस बॉय। हाँ, अब तुम बोलो। हम जो शो कर रहे हैं वो सुपर हिट हो गया है। एक NRI ने देखकर कहा है कि वो हमारे शो की स्पॉन्सरशिप लेगा और US आकर शूट करने के लिए कहा है। यस, वाकई गुड न्यूज है। चीयर्स। तो हमें US जाकर फिर से यही एड शूट करना होगा। क्या कहा, फिर से यही एड? मुझसे ये नहीं होने वाला। तुम टेंशन मत लो विक्रम, इस बार ये एड तुम नहीं करोगे। अच्छा, ये यस। क्यों, असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं बन सकता क्या? तू नहीं बनने देगा? तू मुझे रोकेगा? मैं तेरी जागीर हूँ। ऑल द बेस्ट, चल कर ले, हैप्पी जर्नी। तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। मैं क्यों बीच में? एक डेब्यू डायरेक्टर को एक असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए। वी विल पे यू लमसम। जीजा जी, मैं यहाँ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बस में बिठाकर हाथ हिलाते हुए घर पे आ जाओ। तू उसकी चिंता मत कर, मैं खुद उसे लेने जाऊंगा और लेकर आऊंगा। इसको आइसक्रीम का ऐसा चस्का लगा दिया है कि तब से आइसक्रीम ही खाई जा रही है। महा, मैंने बोला ना आइसक्रीम नहीं खाना है। दीदी, आपको पता है ना, इसको जो चीज पसंद है उसका महीने पर लगाव रहता है, फिर ये खुद छोड़ देती है। प्लीज कुछ भी मत बोलो इसे। सुन, तू हर बात में इसकी तरफदारी मत किया कर, तेरी वजह से ये हमारी बात ही नहीं सुनती। खाओ। नाइस। विक्रम, अब तू बस भी कर, नेक्स्ट ईयर मैं इसे हॉस्टल में डालूंगी। उस हॉस्टल की वार्डन तेरी अकड़ ठिकाने लगाएगी। वो क्या लगाएगी मेरी, मेरे मामा उसकी लगा देंगे बस। अरे तुम लोग बातें बाद में कर लेना, तू चल, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ओके, सी यू महा, बी अ गुड गर्ल। ओके, बाय बाय दीदी। बाय विक्रम। एक शॉट ट्रॉली से भी लेना चाहिए, कुछ इस तरह। किट्टू, इधर आओ। एक मिनट, इधर आओ ना। आगे जाकर राउंड जब मारूंगा तो सॉरी, पहले लॉन्ग शॉट फिर क्लोज शॉट, उसके बाद हाँ, एक लॉन्ग शॉट एक क्लोज शॉट। आई एम चित्रा। यस। सारा गेस कर रहे हो मित्रा, हाथ मिलाओ। आई एम द प्रोड्यूसर, तुम्हारा माटे आवेश हूँ। हु आर द डायरेक्टर? आई एम द डायरेक्टर। हाँ हाँ, तो आ कौन छे? वो तो बस असिस्टेंट है। हाय सर, आई क्लास मीट यू। कल आपका 8 फिल्म देखा, बहुत अच्छा बनाया। आई रियली अपोलॉजी। आई रियली अप्रिशिएट बोलते हैं। हमारा को इंग्लिश में मास्टर लागे छे, मने होशियारी थी काम करवो पड़े। क्या कहा? यही सर, यही। बहुत अच्छा बोलते हो आप। अच्छा वो सब छोड़ो, दरअसल मैंने बहुत से लोगों को सिखाया, उनमें से ये भी एक है, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर। यानी कि मेरा गेस्ट करेक्ट था, डायरेक्टर यही है। कुछ नहीं, एनीथिंग सर। एनीथिंग नहीं बोलते हैं, नथिंग बोलते हैं। ओहो, वैसे तुम इंग्लिश में थोड़े वीक लगते हो। आज थोड़ा डायरेक्शन में वीक है ना, मेरे को दिख रहा है। होशियारी करे छे। चलो जल्दी चलो। ए, हाथ के मारे छे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को बताओ, दोस्त को भेजना है। माइंडलेस पपी। ओ, तुमने भेजा नहीं? नेट नहीं है ना, बाद में भेजूंगा। चलो ये भोकटिया को बेकार में अप्लाई। क्या है क्या आया, पैसा भेज। कम भाई कम। वाओ, ये देखो भाई, दिस इज माय मेंस हाउस। मेंस हाउस का मतलब क्या होता है? ए, पॉकेट में मगज क्यों खाता है? ए, जाने cool, भाई। कूल यार, कूल। ऐसे जा रही हो तो लगेज कौन लेकर आएगा?
डायरेक्टर का मतलब होता है हीरोइन का सामान लेके जाना। इसी बहाने उसके पास आने का चांस ले लो ने। अच्छा मौका है। पास में आने के लिए तो इतना दूर आया हूँ मैं। तुम दोनों को मिलाने के लिए मैंने तो इस जोक तारे सोचे। आपको लव गुरु बोला। लव गुरु हाय। हे हाय, आई एम द डायरेक्टर। हाय स्वीटी डार्लिंग। I'm in rush. I have to go. I'll see you later. Somebody ne jaye. Don't drink drive, huh? इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। कौन है यार ये आइटम? ए, आइटम नहीं है, वो मेरी पत्नी है। गधेड़ा, कैसा आदमी? वाइफ है? हाँ, वाइफ है ना? पर कैसे? ना इंग्लिश आती है, ना हाइट है, ना शक्ल है, ना सूरत है। तो ये ब्यूटीफुल हाउस और ये ब्यूटी कैसे पटा ली तुमने? ये लॉटरी कैसे हाथ में लगी तुम्हारे भाई? अरे 5 साल पहले, अरे चला तेरे को क्या बताऊं? मैं तुमको बताता हूँ भाई, 5-6 साल पहले मैं कैब का ड्राइवर था। अचानक ये लड़की एक दिन मेरे कैब के सामने आकर रुकी। मेरे को देख कर डर गई। ये तो होना ही था। उसके बाद? उसके 4 दिन के बाद फिर से मेरे कैब को रोका। दूसरी बार वो नहीं डरी। विश्वास नहीं होता मुझे। करना पड़ेगा। उसके बाद एक दिन 4-5 गुंडे चाकू लेकर आ गए। मतलब तुम्हारी बिरादरी वाले? हाँ यस, सही पकड़ा। और एक ने गन तान दिया। मैं उस लड़की के आगे आ गया। मैंने अपनी कार की चाबी, अपना पर्स, सब कुछ उनको दे दिया। और फिर वो लड़की मेरे ऊपर फिदा हो गई। फिर मैं बहुत सारे कैब का ओनर बन गया और बंगला खरीद लिया। तुमने जो पर्स दिया था उसमें कैश कितना था? तेरे को कैश दिखाई देता है ना, उस लड़की को मेरा हार्ट दिखाई दिया। मैं आपको बताता हूँ भाई, आपके अंदर वफादारी हो तो लड़कियाँ कुछ नहीं देखती। आपकी आँखों में वफादारी है। आपके साथ लड़की गुस्से में आई, लेकिन प्यार से इंडिया जाएगी आपके साथ। मैं बोल रहा हूँ। थैंक्स सत्या बाबू, बहुत अच्छा बोला। जाकर रेस्ट कर लीजिए, कल शूटिंग करना है। राइट, मुझे भी रेस्ट करना है। कौन कैसे गांडा, चल पाछड़। मैं तो इनको बोलता हूँ, आप जाइए, मैं सुबह मिलता हूँ। हाँ ठीक है, उधर जाना है। हाँ उधर जाना है। ए हेलो, इस एड का डायरेक्टर मैं हूँ, समझ ले। अरे सच कह रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ यार। तेरा थोबड़ा देख के डाउट होता है, डायरेक्टर बनने आया, स्पोर्ट बॉय जैसा दिखता है। हेलो 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 हेलो, हट यार, ऐसा पोज क्यों बना रहा है भाई? कलाई में ये सब क्या है? ये सब फर्स्ट टाइम डायरेक्शन कर रहा हूँ ना, इसलिए आई गॉट अ ब्लेसिंग फ्रॉम दुर्गा माँ, वैष्णो देवी, गणेश भगवान, राम भगवान। ऐसे ब्लेसिंग से काम होता तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। हालेलुया। ये बराबर काम नहीं कर रहा, इसमें बैटरी डाल के लेकर आ। बाजू का बटन ऑन कर, काम करेगा। अब ये बटन कहाँ पर है? इधर से चालू होता है, इधर से बंद होता है। हेलो, इफ यू डोंट माइंड आई कैन टेल यू हाउ टू मेक अ रोमांटिक सीन। तुम असिस्टेंट हो, असिस्टेंट की तरह ही बिहेव करो। आई एम बिजी, ही इज न्यू। दिस टिपिकल असिस्टेंट डायरेक्टर आज रियली यू नो, बट योर फेस इज रियली ब्यूटीफुल। What are we doing? Oh, what are we doing? Oh, yeah. Listen carefully. Please. I am the director, to read my lips. The girl come from the different town, boy different town, they come together and want to express, the girl say I love you. That is the scene. What is the shot? No shot. Koi shot nahi hai. This is a new ad film. Some different kind of film. So don't talk like this. It's all love. To both love each other. The girl say I love you. The boy that say I love you dialogue. Too. That is the dialogue. What is the shot? Arre bapre, kahan phas gaya? You will go. I will tell you later. That's what love is to love is to love. Love come together and love. What is the shot? That is what. ए, मेरी बात सुन यार, ये ऐसे काँप रहा है, मेरी सांसें फूल रही है, संभाल ले यार। अरे तू डायरेक्टर है यार, तुझे रुकना नहीं है, बहुत ऊपर तक जाना है तुझे। ये सब तो होता रहता है यार। ए यार, मुझे बहुत ऊपर नहीं जाना। देख तू ही डायरेक्टर है, इसको पकड़ और संभाल ले इसको प्लीज। दे Okay. Thank you so much. So start much. The work. Thanks. Thank you, yaar. He is the director. And you are the cameraman. Okay, going for take. Action. Cut. One more, please. Hey, sunna. Action cut to tu bole. बैकअप मुझे बोलने देना प्लीज यार। ठीक है ना यार? ठीक है। अरे यार ये तो रेडी। जब कोई नया डायरेक्टर बने तो ये सब कुछ होता है, इसमें छी बोलने वाली कौन सी बात है? तो पहले काम सीखने का देड़ा। चल इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोल के दिखा, फ्रेंड को भेजना है। व्हाट इज ब्रूट, अब भेज दे। हाँ अभी नेट नहीं है, बाद में भेजता हूँ। हाँ
चित्रा कॉफी। तुम्हें एक बात बतानी थी। चित्रा प्लीज वन मिनट। चित्रा लिसन टू मी प्लीज। चित्रा प्लीज मैं बोल रहा हूँ वो सुनो तो सही। स्टॉप इट विक्रम। अभी आता हूँ कहकर तुम चले गए थे। क्यों गए हो, कहाँ चले गए हो, वापस आओगे या नहीं आओगे मुझे तो ये भी नहीं मालूम था। मुझसे कह देते कि मैं पसंद नहीं हूँ और चले जाते, ब्रेकअप हो जाता। एक साल तुम्हारे लिए रोती और फिर तुम्हें भूल जाती। मैं तुम्हें अपनी दुनिया मानने लगी थी और तुम मुझे छोड़कर चले गए। पर मेरी जिंदगी में तुम जहाँ थे आज भी वहीं हो विक्रम। इसलिए मेरी कंपनी का नाम वी रिमाइंड है। वी मतलब तुम। तुमसे प्यार करती थी विक्रम। और आज 6 साल के बाद तुम अचानक सामने आते हो और मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ क्या? मेरी दीदी चित्रा, पिताजी की मर्जी के खिलाफ दीदी की शादी करवाई गई। उसके बाद पिताजी का देहांत हुआ और मैं अपने आप को समझ गया। और उस गिल्टी फीलिंग के साथ मैं कुछ दिनों तक इंसान रहा ही नहीं चित्रा। और उस वक्त मैंने तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा। I'm sorry. उसके बाद हालत ठीक होने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। मैं कॉलेज गया, तुम्हारे फ्रेंड्स से पूछा, लेकिन किसी को पता नहीं था। फेसबुक अकाउंट नहीं था, तुम्हारा नंबर नहीं था और तुम्हारे घर का एड्रेस भी चेंज हो गया था। मैंने सोचा कि तुम बदल गई हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता चला कि मेरी तरह तुम भी नहीं बदली। मेरी हालत की वजह से मैं तुम्हें दूर करना चाहता था चित्रा। उस वक्त हालात ही ऐसे थे, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे प्यार नहीं था। तुम्हारी कंपनी के नाम में पहला अक्षर मैं हूं, लेकिन मेरी कंपनी और मेरी लाइफ में हर जगह सिर्फ तुम ही तुम हो। आर्टिक चित्रा।